हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज हम वापस से आगे एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके। पुरानी वीडियो आपको कैसी लगी वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई हमने वो हेडफोन हमें अच्छे लगे, हमने परचेज भी किए, आप हमें बता सकते हो। पर आज उससे भी ज़्यादा लो प्राइस रेंज में वापस से बोल्ट ने हमें एक दो हेडफोन और भेज दिए हैं। मतलब रिस्पॉन्स अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था। ओके, सो वापस से आ गए दो नए हेडफोन्स। ओके, ये एक वायर्ड है और एक वायरलेस है। सो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, प्लस इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और वही ड्यूरेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, जो भी इसके फैक्टर्स हैं, क्या ये डिफाइन करता है कि नहीं। बिगिन करते हैं अनबॉक्सिंग को। तब तक आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, सारी बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी तो। लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसका ये जो BA 1300 मॉडल है इसको अनबॉक्स कर लेते, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लिड को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, ओके, सो बॉक्स पूरा खाली है। हमें सबसे आगे देखने को मिल जाते हैं हेडफोन्स, और वापस से हमें सब्सक्रिप्शन मिल गई है। मतलब देख रहे हो, बेनिफिट देख रहे हो हेडफोन खरीदने के। सो बोल्ट का ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। गाना की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, प्ले स्टोर के वाउचर्स मिल जाते हैं। एंड दिस टाइम गाइज हेडफोन्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो हायर वेरिएंट था उसकी प्राइस को पूरा ही ड्रॉप कर देते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर हमें सेम चीज़ें कम प्राइस में देखने को मिल जाती है। सो हाँ, इसका ये जो है वो प्लास्टिक का लगता है, हाँ हार्ड प्लास्टिक है। सो गाइस, हेडफोन्स के लुक के बारे में बात करें तो हमें इधर एक लेदर स्ट्रैप देखने को मिल जाती है, पूरा प्योरली रबर लेदर है, प्लस ये एक हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। सेकेंडली इधर एक क्रिस क्रॉस डिज़ाइन, मतलब ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सही लगता है। ओके, एंड सेकेंडली ये भी रोटेट हो जाते हैं, मतलब आप इसको अगर इधर ऐसे रखते हो तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, सो इसको हम वापस से, ओके, इस साइड पे भी इतना रोटेट कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा सही लगता है। एंड अगर एक्सटेंशन की बात करें तो कुछ इतना आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब ओके फुल साइज है। सेकेंडली हमें इस बार इधर ऑन के लिए एक प्रेस बटन और एक स्लाइड बटन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा सही है। अगर आपको दिख रहा हो तो, फोकस्ड आ रहा हो तो, ये ऐसे स्लाइड हो जाता है पूरा, इधर से ऐसे ऐसे स्लाइड हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा सही लगता है। प्लस इस टाइम पे L और R दोनों साइड पे लिखा बाहर मिलता है, पिछले टाइम पे हमें इस कुशन के अंदर देखने को मिला था, तो ये चलो ठीक है। प्लस अगर ये साउंड टेस्ट हो वो मैं आगे करूंगा, अब तो हम दूसरा प्रोडक्ट देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बात करते हैं सेकंड हेडफोन्स के बारे में। सो फटाफट से इसकी प्लास्टिक को, ओके, ये बहुत ज़्यादा पैक्ड है पता नहीं क्यों, अगर पूरा दूसरे हेडफोन्स की तरह आ जाता। ओके, सो इसकी लिड को भी फटाफट से हटा देते हैं। ओके गाइज, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोल्डेड हेडफोन देखने को मिल गए हैं। ओके, ये भी वायरलेस ही एक तरह से देखें तो, और वापस से यही सब्सक्रिप्शंस मिल गई, मतलब हर बार ये लोग गाना की ही सब्सक्रिप्शन देते हैं। सो अगर आप इसके हेडफोन लेते हो तो ये एक बुक माई शो का ये जो वाउचर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सेकेंडली ये जो गाना की सब्सक्रिप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, एंड दूसरा हमें ये वारंटी देखने को मिल जाती है इसकी, अगर आप इस पर रजिस्टर करते हो तो आपको 1 ईयर वारंटी मिल जाएगी, प्लस जो प्रोमो कोड है वो इस बार भी वैलिड है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड इसका जो ऐप का मेंबरशिप है बोल्ट का, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिकेशन लगती है मुझे। दूसरी हम बात करें इसमें तो ये पुस्तकें देखने को मिल जाएगी, और कुछ भी नहीं है। इसको रखते हैं मैं बॉक्स में अंदर। बॉक्स पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है, बॉक्स पे अगर आपको दिख रहा हो तो 2999 लिखी हुई है, पर प्राइस बहुत ज़्यादा मिनिमल है, बहुत ज़्यादा कम है इसकी। मैं आपको बता दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्राइजेस मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं इसको हेडफोन को बाहर निकालूं, ओके, सो चार्जिंग के लिए वापस एक माइक्रो USB देखने को मिल गई, इसको रखते हैं साइड में। अब गाइस दोनों हेडफोन्स की तरफ बात करते हैं। सो इस टाइम पे ये हेडफोन्स वापस से नीचे की तरफ लेदर फिनिश लेके आते हैं, रबर लेदर, एंड ऊपर की तरफ ऐसा प्लास्टिक का फिनिश लेके आते हैं। दूसरी साइड पे इधर वायरलेस लिखा हुआ है और L की ब्रांड L दे रखा है, मतलब लेफ्ट ईयर, एंड वापस से वायरलेस एंड R ईयर। ओके, नेक्स्ट इस टाइम पे ये रोटेट नहीं होता है, तो ये आप समझ गए हो कि लो प्राइस रेंज में आया है। प्लस बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन इसका अच्छा है, अगर मैं इसको कानों पे लगा के देखूँ तो ये ऐसे कंफर्टेबल लगता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। अब इसको हम फटाफट से ऑन करते हैं। इस टाइम पे ऑन के लिए हमें एक स्लाइडर देखने को मिल गया इधर,
ओके, अब इसको इधर से आप ऐसा स्लाइड करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, इधर आपको इसकी लाइट देखने को मिल जाएगी, ये ऐसे ऑन हो जाता है। एंड इस टाइम पे लाइट इज इन RGB, मतलब अगर इसकी बैटरी डाउन है तो ये खाली रेड ब्लिंक होगी, वरना रेड, लाइट, पिंक, बहुत सारे कलर्स इसमें ब्लिंक होंगे। अब दोनों को हम कनेक्ट करके देख लेते हैं कि वॉइस कैसी है। ओके गाइस, सो दोनों ही हेडफोन्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं आपको अगर बताऊं तो दोनों के अंदर डिफरेंस कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये जो लो प्राइस रेंज वाला है उसमें ज़्यादा बास है इनफैक्ट इसके मुकाबले, पर इसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है इसके मुकाबले। मतलब इसमें जब आप वाइब्रेशंस को फील करते हो, जब म्यूजिक में एक वाइब्रेशन आती है तो ये आपको उसका ज़्यादा फील देता है जब आप कोई गेम खेलोगे। सो अगर आप इसको राइट टू लेफ्ट पहन के रखा है तो जब आप इसको ऐसे पहन के रखते हो तो अगर राइट से कोई फुटस्टेप्स आ रही है तो वो इसमें वाइब्रेशन के साथ सुनाई देती है। पर अगर आप इस हेडफोन्स के बारे में बात करो सो इसके अंदर आपको साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर सुनाई देगी। पर अगर तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो गेमिंग एंड अलग से अगर आप कोई प्रोडक्ट में या मोबाइल में या सुबह सुबह जॉगिंग करने या कहीं भी इसको यूज़ करते हो सो ये आपको साउंड क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट में जाएगा ये इनफैक्ट टू अदर जो हेडफोन्स आते हैं उनके मुकाबले। प्लस बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगती है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस करता हूँ। अगर आप करते हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर वीडियो में अभी तक बने हो तो यार ऐसा लाइक तो करना बनता है, क्योंकि हेडफोन्स अगर इतने अच्छे, मतलब अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो। एंड जो मैं बात कर रहा था, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ सो ये मुझे बहुत ज़्यादा सही फीचर लगता है एक हेडफोन के अंदर, क्योंकि जब आप ऐसे बैठे हो और हेडफोन को साइड में कहीं नहीं रखना है सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। प्लस जो सबसे बेस्ट चीज़ है इन दोनों हेडफोन्स की वो है इनका माइक। इसका जो माइक है वो आपकी साउंड को बहुत ही एक्यूरेटली फ्रीक्वेंट करके पकड़ता है, सो कॉलिंग में भी ये ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद डील रहेगी। अगर आपको इनको बाय करना है तो बेस्ट बाय लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस जहाँ से मुझे स्पॉन्सर्ड हुए वो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप प्रोमो कोड यूज़ करके आप इसको 50 to 100 रुपीज़ कुछ आपको डिफरेंस मिल जाएगा अदर वेबसाइट्स के मुकाबले, क्योंकि अब मेरे पास टोटल ऐसे बोल्ट के 4 हेडफोन्स हो चुके हैं। तो सबसे आप बोल सकते हो बेस्ट डील जो रहेगी वो मुझे बोल्ट 1200 और 1300 की लगी, क्योंकि ये दोनों हेडफोन्स अगर इन चारों को कंपेयर करें तो ये दो हेडफोन्स बहुत ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि एक में आपको RGB साइड में देखने को मिल जाती है तो वो एक गेमर के लिए बहुत ही बेस्ट बाय लिंक रहेगी। पर वो इस हेडफोन को अगर रिकमेंड करते तो आप में से अगर कोई गेमर है तो वो नीचे कमेंट करके बता सकता है आपको ये हेडफोन कैसे लगे। सो गाइस, अब चारों हेडफोन्स मेरे पास हैं, इनके बॉक्सेस मैंने साइड में रख दिए हैं, ये मैंने हेडफोन बाहर निकाल दिए हैं। ओके, सो ये चारों हेडफोन्स अगर बात करें तो ये सबसे हाई रेंज में जाता है, उससे नीचे फिर ये आता है, देन ये वाला आता है और फिर ये वाला आता है। सो गाइस, इन चारों में सबसे बेस्ट हेडफोन की बात करें तो ये जाता है फर्स्ट नंबर पे, वो ये बोल्ट का 1400 जो है इस पे जाता है। फिर सेकेंडली हम बात करें सो इसके मुकाबले मैं आपको ये वाला रिकमेंड करूँगा। साउंड क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा सही है ये, इसलिए ये दो हेडफोन्स को मैं 10/10 रैंक करूँगा। आपको ये हेडफोन कैसे लगे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मतलब कौन सा हेडफोन आपको सबसे ज़्यादा सही लगा एंड क्या आपने से किसी ने इसको बाय किया, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ कूल अनबॉक्सिंग वीडियोज़ के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो अगर वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।